नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. इन ए गोडाउन देयर आर बॉल्स ऑफ 3 कलर्स सो दैट इट रेड व्हाइट एंड ब्लू. एक गोडाउन में 3 कलर्स की बॉल या गेंद है जिसमें से 3 कलर कौन कौन से हैं, रेड व्हाइट एंड ब्लू. इफ टोटल बॉल्स आर 52,86,62,870 वेर इज व्हाइट बॉल्स आर 21,86,23,471 एंड ब्लू बॉल्स आर 12,49,94,670 फाइंड द नंबर ऑफ रेड बॉल्स. तो उन बॉलों में टोटल बॉल्स जो है 52,86,62,870 है, जबकि व्हाइट बॉल्स जो है 21,86,23,471 है और ब्लू बॉल्स 12,49,94,670. तो आपको नंबर ऑफ रेड बॉल्स निकालनी है. आपको टोटल बॉल्स दिया हुआ है, व्हाइट बॉल्स दिया हुआ है, ब्लू बॉल्स दिया हुआ है, आपको रेड बॉल्स निकालनी है. तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स आ जाएगी. तो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिखेंगे कि टोटल बॉल्स हमें कितनी गिवन है. टोटल बॉल्स 52,86,62,817. व्हाइट बॉल्स 21,86,23,471 एंड ब्लू बॉल्स 12,49,94,670. अब हम क्या करेंगे, व्हाइट और ब्लू का टोटल कर लेंगे, यानी कि टोटल व्हाइट एंड ब्लू बॉल. इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, ठीक है. तो आंसर क्या आएगा, 1, 7, 7, 14, 6, 4, 10, 1, 11, 3, 4, 7, 1, 8, 9, 2, 11, 9, 6, 15, and 1, 16 का 6, कैरी किया 1, 8, 4, 12, 1, 13, 2, 1, 3, and 4, 2, 1, 3. तो इस तरह से जो है टोटल व्हाइट और ब्लू बॉल्स कितनी हो जाएगी, इतनी. अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, अब हमें नंबर ऑफ रेड बॉल्स निकालने के लिए क्या करना है, जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है उसमें से जो टोटल ब्लू और व्हाइट का आया है उसको सब्ट्रैक्ट करना है. इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारी नंबर ऑफ रेड बॉल्स आ जाएगी. 10 में से 1 गया 9, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 1 गया 7, 12 में से 8 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 0, 8 में से 3 गए 5, 12 में से 4 गया 8 एंड 4 में से 3 गए 1. तो ये जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स हमें फाइंड हो जाएगा. इस तरह से हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं.